बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों अपने एक्शन के कारण सुर्खियों में है। विभाग को दुरुस्त करने निकले पाठक का खौफ शिक्षकों के बीच खूब छा गया है। उनके एक्शन और फरमान से बिहार के शिक्षकों में दहशत है। उनके कुछ फैसले और एक्शन ऐसे हैं जिन्होंने टीचरों की नींद उड़ा कर रख दी है। अपने तेवर के कारण चर्चा में रहने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहे हैं। उनके फैसले से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। बेचैनी है कि न जाने शिक्षा विभाग से कब कौन सा फरमान एक बार फिर से जारी हो जाए और उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। पाठक ने अपर मुख्य सचिव का जिम्मा संभालते ही हर महीने स्कूलों का निरीक्षण करने का आदेश कर दिया। इसी के तहत वे इन दिनों राज्य के स्कूलों के औचक निरीक्षण पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में गैर हाजिर होने वाले टीचरों पर गाज गिर रही है। गैर हाजिर होने के साथ ही स्कूल में गंदगी होने पर भी शिक्षकों का वेतन काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में निरीक्षण अभियान चलाया गया। जुलाई के पहले सप्ताह में ही 2116 शिक्षक बिना सूचना दिए गैर हाजिर यानी कि अब्सेंट पाए गए। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित टीचरों का एक दिन का वेतन काट लिया। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग का एक और फरमान सुर्खियों में रहा, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी या कर्मचारियों के जींस और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर बैन लगा दिया गया है। कर्मचारियों को कहा गया है कि वे फॉर्मल ड्रेस में ही ऑफिस आएं। आदेश में कर्मचारियों से यह भी कहा गया कि वो ऑफिस में जींस और टी शर्ट जैसे कैजुअल कपड़े ना पहने, क्योंकि ये ऑफिस कल्चर के खिलाफ है। इसके अलावा यदि बात करें तो शिक्षकों की लेट लतीफी पर लगाम लगाने के लिए राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से शुरू की गई। इसके साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक मोबाइल ऐप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ऐसा कहा गया। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर के पाठक और शिक्षक आमने सामने हो गए। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 11 जुलाई से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर गए। इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आंदोलनकारी शिक्षकों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। वहीं क्लास में सोने और कुर्सी पर बैठने को लेकर भी कार्रवाई हुई। हुआ यूं कि महुआ में विद्यालय में कुर्सी पर बैठकर दीवार पर पैर उठाकर नींद का आनंद लेना गुरुजी को महंगा पड़ गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे अनुशासनहीनता का मामला मानते हुए वेतन रोककर स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा हमने एक खबर आपको और बताई थी, के पाठक का खौफ इतना कि दिल्ली से बक्सर में मुखिया जी की बहू अब स्कूल जाने लगी, जिसने कि स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था और नौकरी लेने के बाद दिल्ली में आराम से रह रही थी, सरकार का पैसा उठा रही थी। इसके अलावा के पाठक का नया आदेश जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि 4 घंटे कार्यालय और 4 घंटे निरीक्षण करना सबके लिए जरूरी है, कोई भी 8 घंटे कार्यालय में जमा नहीं रहेगा। वहीं के पाठक सारण और सिवान के स्कूलों में भी निरीक्षण करने पहुंचे थे और गंदगी देखकर बिफर गए। प्रिंसिपल को ही क्लास खुद साफ करने का निर्देश दे दिया। हुआ यूं कि पाठक सारण के उच्च विद्यालय परसा स्कूल पहुंचे, गंदगी देखा तो गुस्सा गए। कक्षाओं में गंदगी देख के पाठक ने प्रधान अध्यापक जयशंकर प्रसाद गुप्ता को खुद से कमरे साफ करने का निर्देश दे दिया। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ने साइंस लैब में धूल की मोटी परत देख विज्ञान शिक्षक मुकेश कुमार वर्मा को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, अब के पाठक के आदेश का ही नतीजा है कि बेगूसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ा फरमान जारी करते हुए कह दिया है कि स्कूलों में शिक्षक अब जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे और ना ही दाढ़ी बढ़ाकर आएंगे। महिलाओं के लिए भी नियम लागू करते हुए कहा गया है कि वो भी भारतीय परिधान पहनकर ही आएं। भड़काऊ और चमकाऊ लिबास स्कूल में नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं इन फैसलों से और इन एक्शन से कि के पाठक का खौफ बिहार के शिक्षकों में कितना कहर ढा रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।